विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने की रायशुमारी तो सपाक्स ने भी जिले में बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मैदान में उतरने का गुरु मंत्र। आपको बता दें कि सपाक्स ने SC ST की सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की बनाई है रणनीति। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे के बाद 3 नामों को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से राय मांगी है। विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही भाजपा और कांग्रेस हरकत में आ गई है, लेकिन सपाक्स ने भी अपनी गतिविधि तेज कर दी है। SC ST के जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपाक्स ने भी विधानसभा चुनाव में मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने बड़वानी जिला मुख्यालय पर पहुँच सपाक्स के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, साथ ही उन्हें विधानसभा चुनाव में किस तरह से कार्य करना है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं भाजपा के खेमे में भी विधानसभा चुनाव को लेकर खासी हलचल देखने को मिल रही है। जिले में टिकट के दावेदारों को लेकर जहां पार्टी कई बार सर्वे करा चुकी है, वहीं चुनाव के नज़दीक आने के बाद सूची जारी करने से पहले एक बार फिर स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के लिए ऊर्जा मंत्री पारस जैन बड़वानी पहुँचे। मंत्री से जब कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद भाजपा की सूची जारी होने की बात कही तो उन्होंने मामले को घुमा दिया। हम यहाँ पर राय मशवरा करने के लिए चारों विधानसभा के लिए आए थे। मेरे साथ वीरेन कावड़िया जी और हिंदोई और यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के खंडेलवाल जी और सब लोगों ने मिलकर चार ही विधानसभा के अलग अलग हमने फार्म दे के उनसे लिखवाया है। उनको यह आवश्यकता 3 नाम लिखना, दस्तखत करना, एक नाम यदि लिखेंगे उसको नहीं माना जाएगा और अपना नाम भी नहीं लिखना। इस प्रकार यहाँ राय शुमारी हुई है और ये लेकर हम सीधे कल परसों भोपाल पहुँचा देंगे, क्योंकि 18 तारीख तक पहुँचाना हमारे लिए आवश्यक है। 2 दिन में सभी जिलों में हो जाएंगी। आज हम निपट के इसको भोपाल पहुंचा देंगे। उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेती है, समिति बैठती है, वो निर्णय लेगी किसको टिकट मिलना किसको नहीं मिलना। हर विधानसभा से कितने उम्मीदवार निकल करके अब ये तो वहाँ जाने से मालूम पड़ेगा। यहाँ तो हमारे को कोई मालूम नहीं, क्योंकि हमने भी नहीं देखा है कि किसने किसका नाम लिखा है। और हमको भी ये आदेश था कि लिफाफे में पैक करके ऐसा कैसा लेके आना। किस आधार पर टिकट का वितरण करने की? नहीं, टिकट के तो अलग अलग पहले भी सर्वे हुए हैं। ये भी एक आधार है कि वहाँ के जो जिले के हैं, विधायक जो यहाँ के हैं, वो अपनी अपनी राय भी प्रकट कर सकते हैं पदाधिकारी। इसीलिए इतनी पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसीलिए हमारे ने अपने अपने नाम लिख के दिए हैं। जो भी इसमें होगा पार्टी निर्णय लेंगे। उम्मीदवार की घोषणा कब तक की जाएगी? ये तो अभी समय लगेगा इसमें, क्योंकि अब ये निर्णय करना सब प्रदेश की पदाधिकारियों का। ये जो बात सामने आ रही है कि पहले कांग्रेस की सूची जारी होगी उसके बाद BJP आगे अपने नाम घोषित करेगी, नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि 1-2 दिन फर्क तो होता है। ये तो वो पहले कर दे, हम पहले कर दे, कोई भी करना तो एक को पड़ेगा इसे। और मुझे लगता है कि वो करे, ये करे, अपनी तैयारी यदि है तो हमारा प्रदेश कहीं भी कर देगा। अंतर कलह से निपटने की क्या तैयारी है? कोई अंतर कलह नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी अंतर कलह नहीं होता है। पहले भी आपने देखा हमारी सरकार बनी है, अब के भी हमने कहा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे। अब की बार हमारा नारा है कि 200 पार, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए। बड़वानी और राजपुर सीट ही भाजपा अंतरकलह के कारण हारी है, तो ऐसे में उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी? तो चलती है, सब सीटें 230 जीत है तो जीत नहीं सकते, लेकिन ये उम्मीद है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, इस उम्मीद को देखते जो हमने नारा दिया है वो हमारा सार्थक होगा। जी सर, क्या कुछ बैठक ली है? देखिए, बड़वानी में आज हमने पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनको जो विधानसभा चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया है, मुद्दों पे चर्चा की है और यहाँ चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, उम्मीदवार कैसे सर्च होंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बारे में अवगत कराया। कितनी सीटों पर सपाक्स उम्मीदवार खड़े हैं? सपाक्स सभी 230 सीटों पर लड़ रहा है प्रदेश की, तो बड़वानी में भी हम जो है चारों सीटों पर सपाक्स के उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहाँ पर आजाद आरक्षित सीटें वहाँ पर क्या किया? वहाँ पर हमें उम्मीदवार मिल रहे हैं क्योंकि हमारे मुद्दे ऐसे हैं जो गरीब SC ST के फायदे के लिए भी है, क्योंकि हमारी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण में सभी वर्ग शामिल है, चाहे SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, अल्पसंख्यक हो, सभी शामिल हैं। जो गरीब होंगे लाभ उनको मिलना चाहिए, ये हमारा जहाँ तक जब तक आरक्षण है, आरक्षण यदि दिया जाना है संविधान के अंतर्गत तो उसका आधार गरीबी होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। अभी ऐसी कोई ST SC की सीटों पर कोई उम्मीदवार आपको मिले हैं कहीं पर किसी जिले में? मिले हैं और बड़ी तेज़ी से लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, हमारे मुद्दों के सपोर्ट में आ रहे हैं।
कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर मिले हैं आपको? हमको सभी झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, सभी स्थानों पर, खरगोन, खंडवा, सभी स्थानों पर मिल रहे हैं। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि अभी तक जो लोग एससी एसटी के गरीब तबके को भड़काने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ तक भी हम अपनी, हमारी पेट बंधी हुई, हमारे मुद्दों से गरीब लोग सहमत हैं। क्योंकि हम आरक्षण का लाभ अभी क्या हो रहा है कि 1% कुलीन वर्ग, एससी एसटी का जो कुलीन वर्ग है 1%, वो लाभ ले जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को लाभ मिल रहा है। चाहे योजनाएं हों, नौकरियां हों, पेट्रोल पंप मिलना हो, रोजगार योजनाएं मिलना हो, इंडस्ट्री मिलना हो, कोई भी काम हो, तो बड़े लोगों को लाभ मिलता है उसी वर्ग के, उस वर्ग के गरीब को लाभ नहीं मिलता है। और हम हर वर्ग के गरीब को लाभ देने की बात करें, सपाक्स की जो है, इस प्रदेश में सरकार बनना तय है। सपाक्स के बिना कोई सरकार इस प्रदेश में इस बार विधानसभा में नहीं रहेगी। देखिए, जयस के मुद्दों से हमारा 2-3 चीज़ों में मतभेद है। पहला तो ये कि वो आरक्षण की शुद्ध बात करते हैं जाति के आधार पर, क्योंकि उसके संरक्षक हैं वो सब अधिकारी कर्मचारी। हम कहते हैं कुलीन लोग हैं, एक बार जिनको आरक्षण मिल गया उसको दोबारा नहीं मिले। ये बात यदि जयस के कार्यकर्ताओं को पता लग जाएगी कि हम उसके फेवर में, वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ आ जाएंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है, उनका मुद्दा है 5वीं अनुसूची को लेकर। हम कह रहे हैं किसी अनुसूची की जरूरत ही नहीं है, इस प्रदेश में ट्राइबल को कानूनी संरक्षण पूरा प्राप्त है, हम उनके कानूनी संरक्षण को यथावत रखेंगे, हम किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए हम जो खाई है समाज में, उस खाई को पाटना चाहते हैं। इसलिए जो है हमारा एससी एसटी उनके वर्ग से कोई मतभेद नहीं है, हम उनकी कोई सुविधाएं, कोई अधिकार नहीं छीनना चाहते, केवल कुलीनों के, एक बार जिन्होंने लाभ ले लिया उसको हम लाभ नहीं देना चाहते हैं। ये हमारा प्रत्याशियों की घोषणा कब तक की जाएगी? प्रत्याशियों को हम सीधे, वो जब फॉर्म भरेंगे तभी पता लगेगा कि हमारी पार्टी की है, क्योंकि उनको प्रताड़ना कर, वर्तमान भाजपा सरकार उनके पीछे लग जाती है, प्रताड़ना करती है, इसलिए हम जो पहले से घोषित नहीं करते।